السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المراه الصالحه رواه مسلم. तमाम तारीफें उसी अल्लाह रब्बुल अब्बुलमीन के लिए लाक रहा है जो मियाँ बीवी मोहब्बत पैदा करने वाला है मियाँ बीवी में उल्फत पैदा करने वाला है वही दिलों को छोड़ने वाला है वही रिश्तों को छोड़ने वाला है वह आसमान में रिश्तों को जोड़ता है तो दुनिया की कोई ताकत दुनिया में तोड़ नहीं सकती है और अगर वो आसमान में रिश्तों को तोड़ दे तो फिर दुनिया की कोई ताकत रिश्तों को जोड़ नहीं सकती है लाखों सलाम हो जनाबी सल्लल्लाहु रसोल्ला वसल्लम पर कि आपको हादी बनाकर मुबर बनाकर हम तमाम की तरफ में मरमायाम नादरी आज कि इस मजलिस में हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं हमारा टॉपिक है निकाह के मसाइल मैं और आप अपने ज़िंदगी में कितने निकाह की महफिलों में शरीक होते हैं बहुत सारे निकाह में हमने शिरकत कर रखी है और आप भी करते होंगे और इस निकाह की महफिल में आम तौर पर तीन आयतों को पाबंदी से पढ़ा जाता है और एक दो तीन अहादीस सुनाई जाती हैं लोग समझते हैं कि अगर निकाह में इन आयतों को ना पढ़ा जाए तो फिर निकाह होगा ही नहीं निकाह को मुकम्मल करने के लिए इन आयतों का पढ़ना इन अदीस को पढ़ना खुतबे का देना ज़रूरी समझते हैं बात वैसी नहीं है अल्लाह के रसूल वसल्लम जब कभी लोगों को कुछ समझाना चाहते थे कुछ बताना चाहते थे तो सबसे पहले इन तीन आयतों को तिलावत किया करते थे इन तीन आयतों को सुनाया करते थे और फिर आपको जो समझाना हो जो बताना हो और जिस बात की सलाह करना हो आप किया करते थे तो गोया ये आयतें जो आम तौर पर निकाह के मौके पर पढ़ी जाती हैं ये निकाह के साथ खास नहीं हैं निकाह के खुतबे के साथ खास नहीं हैं आप जब भी लोगों को खुतबा देना चाहते थे या नसीहत करना चाहते थे तो सबसे पहले इन आयतों को पढ़ा करते थे और फिर लोगों को नसीहत किया करते थे नादरी अगर हम इन आयतों को जो मैंने आपके सामने शुरू में इब्तदा में पढ़कर सुनाई है निकाह से मुतालिक समझेंगे और निकाह से अगर इसका ताल्लुक निकालेंगी भी तो कुछ बातें हमें ज़रूर निकाह के ताल्लुक से मालूम होती हैं सबसे पहली आयत जो मैंने आपको सुनाई है उसमें अल्लाह तआला फरमाता है या लदी मिन वाहिदा। इस आयत में व तआला अपना तारुफ करा रहा है अपना इंट्रोडक्शन करा रहा है के ए लोगो। या खाल वाहिदा ए लोगो डरो तुम उस रब से जिसने तुमको एक जान से पैदा कर रखा है यानी अल्लाह तबारक वाली यहाँ पर सबसे पहले डरने की बात कह रहा है और अपने आप को रब करार दे रहा है रब किस कहते हैं रब का मतलब पालने वाला रब का मतलब खिलाने वाला रब का मतलब पिलाने वाला रब का मतलब जिंदगी में दरपेश होने वाले सारे के सारे मसाइल को हल करने वाला इंतजाम करने वाला और सारी फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करने वाले को रब कहा जाता है तो गोया इस मौके पर निकाह के मौके पर अगर अल्लाह तबारक तला अपने आप को रब के तौर पर पेश कर रहा है तो इसका क्या मतलब हो सकता है इसकी क्या हमत हो सकती है चलिए हम जरा देखें आप निकाह करने से पहले आम तौर पर लड़की वाले ये देखते हैं कि भाई लड़का कितना कमाता होगा लड़का क्या काम करता होगा लड़का क्या जॉब करता होगा लड़के की इनकम क्या होगी लड़का वो ज़ाती घर में है या वो किराए के मकान में है लड़का शहर में है या वो गांव में रहता है लड़का पौश एरिया में रहता है या सलम एरिया में रहता है यानी लड़की वाले आमतौर पर लड़के की इकोनॉमिक कंडीशन पर ही ज्यादा वो नजर रखते हैं क्या खिला सकता है क्या पिला सकता है क्या ला सकता है क्या दे सकता है क्या दिला सकता है इसी पर सारे लोगों की नज़रें हुआ करती हैं तो यहाँ पर अल्लाह तबारक वाली यह समझाना चाहता है कि खिलाने वाली जात लड़के की नहीं है पिलाने वाली जात लड़के की नहीं है इंतजाम प्रोवाइड करने वाली जात लड़के की नहीं है बल्कि खिलाने वाला अल्लाह ताला है पिलाने वाला अल्लाह ताला है रोजी का इंतजाम करने वाला अल्लाह ताला है यकीन दिलाया जा रहा है जिस लड़के से तुम कमाई की उम्मीद रखते हो वो लड़का नहीं खिला सकता बल्कि अल्लाह खिलाने वाला है जिस लड़के से तुम सहूलतों की उम्मीद रखते हो वो सहलतें लड़का फराम नहीं कर सकता है बल्कि अल्लाह फराम कर सकता है तो ठीक इसी तरह जहां लड़की वाले लड़के की माली हैसियत को देखते हैं वहीं पर लड़के वाले लड़कियों की माली हैसियत को भी देखते हैं कि हम जिस लड़की को करने जा रहे हैं उस लड़की के भाई क्या काम करते हैं उस लड़की का बाप क्या काम करता है वो जाति मकान में रहते हैं या किराए के मकान में रहते हैं वो हमें कितना दे सकते हैं वो हमें कितना दिला सकते हैं वो हमारा कितना सपोर्ट कर सकते हैं यानी लड़के है, वालों की नजर भी मुकम्मल तौर पर लड़की वालों के माल पर हुआ करती है तो इनको भी याद दहानी कराई जा रही है लड़की वाले तुमको कुछ नहीं दे सकते अल्लाह देने वाला है लड़की वाले तुमको कोई मदद नहीं कर सकते बल्कि अल्लाह करने वाला है तो गोया दोनों तरफ से जहां माल पर नजर हुआ करती है ना, उसकी नजर को हटाने के लिए कहा जा रहा है है, कि वो रब है, माल वही देने वाला, माल वही लेने वाला वही सवलते फराम करने वाला वही सौलतों खत्म करने वाला तो इनकी नजरों को मुकम्मल फेरा जा रहा है और फिर उसके बाद तब तला उसी आयत के अंदर क्या फरमाता है यानी तुम लोग डरो उस अल्लाह से जो तुम्हारे आपसी रहम के रिश्तों के बारे में पूछने वाला है सवाल किया जाने वाला है तसालून भी वलरहम ये रिश्ते जो कायम हो रहे हैं ना इन रिश्तों के बारे में तुमसे पूछा जाएगा क्या तुमने हक अदा किया या नहीं किया इसके बारे में सवाल किया जाएगा तुम्हारे आपस में ताल्लुक के बारे में सवाल किया जाएगा आज मसाइल हम देखते हैं कि मसाइल कहाँ पैदा हो रहे हैं मसाइल वहाँ पैदा होते हैं जहाँ पर हम हक लेना चाहते हैं लेकिन देना नहीं चाहते हैं वो हमको सलाम करे लेकिन हम सलाम नहीं करेंगे वो हमारे सामने आकर झुके लेकिन हम नहीं झुकेंगे इज्जत वो हमारी करे लेकिन हम इज्जत नहीं करेंगे एहतराम हमारा वो करे लेकिन हम एहतराम नहीं करेंगे यह से मसाइल पैदा होते हैं दोस्तों जहाँ पर हुकूक सिर्फ लेना जानते हैं और देना नहीं जानते हैं तो वह पर मसाइल का अंबार लग जाता है तो पहली आयत में अल्लाह तबारक जो माल पर इन दोनों की नज़रें हुआ करती हैं उस को हटाया जा रहा है उसको निकाल दिया जा रहा है दूसरी आयत में अल्लाह तबारको क्या फरमाता है या तुम अल्लाह से डरो और सच्ची सच्ची बातें कहो खरी खरी बातें कहो सच बोलो। बोलोलू कौलन सदीदा तुम सच्ची बात करो तो इस आयत के पस में अगर हम देखते हैं तो निकाह से पहले आमतौर पर लड़के वाले अपने लड़के की इतनी तारीफ, इतनी तारीफ तारीफ करते हैं कि उसको आसमान पर बिठा देते हैं लड़का अगर दस हजार भी कमा रहा हो तो बीस हजार कमाने का दावा करते हैं अगर लड़का पचास हजार कमा रहा है तो उसको अस्सी हजार एक लाख कमाने का दावा करते हैं उसके अंदर जो खूबियां नहीं हैं वो सारी की सारी खूबियां बयान करते हैं अगर वो किसी तिजारत का मालिक ना भी हो तो उसको तिजारत का बॉस बनाकर पेश करते हैं किसी फैक्ट्री का मालिक बनाकर पेश करते हैं किसी बड़े कारखाने का मैनेजर बनाकर पेश करते हैं यानी उसकी हैसियत से बढ़कर तारीफ करते हैं उसका जो स्टेटस हुआ करता है उसके स्टेटस को बहुत ही बड़ा चढ़ाकर बयान किया जाता है और उधर लड़की वाले भी उस लड़की की तारीफ इतनी करते हैं इतनी करते हैं कि वो आसमान पर बिठा देते हैं वो नमाज की पाबंद नहीं होगी लेकिन फिर भी सौ मसलात की पाबंदी का दावा करेंगे वो उमूर खाना दारी में माहिर नहीं होगी लेकिन फिर भी उमूर खाना दारी में माहिर का लेबल उसको लगाएंगे अब वो मियाँ बीवी के हकूक़ को नहीं जानती होगी लेकिन फिर भी उसकी तारीफ की जाएगी उसमें खूबसूरती नहीं होगी लेकिन उसमें खूबसूरती को इजहार किया जाएगा यानी जो सिफात जो उसमें आदात होते हैं उसको और बड़ा चढ़ा कर बैन किया जाता है गोया झूठी तारीफ करके रिश्ते को कायम करना चाहते हैं नादरीन दोनों के दोनों तरफ भी झूठ की बुनियाद पर रिश्ते को कायम करना चाहते हैं इधर लड़के वाले अपने लड़की की तारीफ में पुल बांधते हैं लड़की वाले लड़की की तारीफ में वो पुल बांध देते हैं और इसी कमजोर ब्रिज पर दोनों की जिंदगी आपस में मिलने जाती है यहां पर अल्लाह कह रहा है सच्ची सच्ची बात कहना सही सही बात कहना झूठ का सहारा लेना इसलिए कि जो रिश्ता झूठ की बुनियाद पर कायम होता है ना वो रिश्ता मजबूत रिश्ता नहीं होता है कितना झूठ बोलोगे कितना भी झूठ बोलो उस झूठ को छुपाने की कितनी भी कोशिश करो जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर झूठ जाहिर होकर रह जाता है सच सामने आ जाता है उम्र को छुपाओगे वो जाहिर होकर रहेगी और तुम खूबसूरती को छुपाओगे वो जाहिर होकर रहेगीब छुपाओगे वो जाहिर होकर रहेगा बीमारी छुपाओगे वो जाहिर होकर रहेगी और कोई बदखला की छुपाओगे वो जाहिर होकर रहेगी गुनाह को छुपाओगे जाहिर होकर रहेगी सैलरी को छुपाओगे जाहिर होकर रहेगी काम को छुपाओगे जाहिर होकर रहेगी क्या क्या छुपाओगे जिंदगी में गलत बात की बुनियाद पर रिश्ता कायम करोगे ना उसमें मोहब्बत से महरूम हो जाते हैं इनके दिल आपस में नहीं मिल सकते बल्कि हमेशा दूर दूर होते जाते हैं क्योंकि झूठ की बुनियाद पर इस रिश्ते को कायम करने की कोशिश की गई है और तीसरी आयत में अल्लाह फरमाता तबार ईमान अल्लाह से वैसे डरो जैसे डरने का हक हाँ है और तुम न मरो मगर इस्लाम की हालत में मुसलमान की हालत में इसमें अल्लाह तआला से डरने का हुक्म दिया गया है तुम महफिल में हो तो भी अल्लाह से डरना है तुम तन्हाई में हो तो भी अल्लाह से डरना है शादी से पहले भी अल्लाह से डरना है शादी के बाद भी अल्लाह से डरना है उससे डर कर रहो अगर तुम किसी लड़की से निकाह करते हो ना तुम ये ना समझो कि कौन इसके बारे में पूछने वाला है जो जो कह 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 दिया जैसे चाहा कह दिया जो जबान पर आया कह दिया जैसे जैसे पर आया चाहे सुलूक कर दिया न समझो दोस्त इसके बारे में तुमसे पूछा जाएगा इसके बारे में सवाल किया जाएगा तुमको जिम्मेदार बना दिया गया ना इसके बारे में तुमसे पूछा जाएगा डर कर जिंदगी बसर करना है भले तुम्हारे सुसर का डर तुमको नहीं होगा भले तुम्हारे साले का डर तुमको नहीं होगा भले तुम्हारी बीवी का डर तुमको नहीं होगा भले सोसाइटी का डर तुमको नहीं होगा लेकिन अल्लाह से डर कर तुमको उनके साथ हुन सुलूक करना होगा यही बात लड़की को भी है वो भी अल्लाह से डरती रहे अल्लाह से डर कर हक अदा करती रहे अल्लाह से डर कर अपने इज़्ज़त की हिफाजत करती रहे अल्लाह से डर कर अपने नामुद की हिफात करती रहे ये भी हुक्म उससे पर लागू हो जाता है तो इस तरह निकाह के मौके पर जो आयत तिलावत की जाती हैं ये निकाह के लिए ख़ास नहीं हैं बल्कि अल्लाह के रसूल हमेशा इन आयतों को पढ़ा करते थे और लोगों को समझाया करते थे और फिर उसके बाद

अजीब अल्लाह के रसूल ने नेमत के बारे में बैन फरमायाब्दी कहते हैं अल्लाह के रसूल वसल्लम ने फरमाया ये सारी के सारी की जानिब से अता करदा है क्या क्या है तुम्हारे पास है कारोबार है ये नेमत है बड़ा बैंक बैलेंस है ये नेमत है बड़ी बड़ी गाड़ियां आपके पास है ये नेमत है ट्रैवलिंग एजेंसी आपके पास है ये नेमत है कोई फैक्ट्री आपके पास है ये नेमत है कोई बड़ा शॉप आपके पास है ये नेमत है हैं ये नेमत है सब कुछ ये नेमतें आपके सामने पड़ी हुई हैं इन नेमतों में सबसे बड़ी अगर कोई नेमत हो सकती है तो नेक औरत है अगर नेक औरत किसी की जिंदगी में आ जाती है तो वो सबसे बड़ा खुश आदमी समझा जाएगा उतना ही वो पुरुष कोन जिंदगी बसर कर सकेगा कारोबार में लॉस हो जाए अगर बीवी उसकी नेक और साल हो तो उसको सुकून मिलेगा कारोबार से ज्यादा टेंशन नहीं मिलेगा अगर कारोबार बहुत अच्छा है लेकिन बीवी सताने वाली है बीवी प्रॉब्लम पैदा करने वाली है बीवी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है तो फिर आपके कारोबार में आपको सुकून नहीं मिल सकता है क्योंकि अल्लाह तबाराक व तआला ने बीवी में सुकून रखा है बीवी में सुकून बना रखा है अल्लाह ताला फरमाता है ना लितसकुनु इलैहा यानी बीवियों को पैदा किया गया है इनसे सुकून हासिल करने के लिए व मिन आयतिही अन खलकलाकुम मिन अनफुसकुम अज़वाजन लितसकुनु इलैहा अल्लाह कह रहा है कि तुम में से एक जोड़ा बना रखा है तुम्हारी बीवियों की शक्ल में बना रखा है और उसमें तुम्हारे सुकून का जरिया बना रखा है बीवी के लिए शौहर में सुकून रखा है और शौहर के लिए बीवी में सुकून रखा है अल्लाह ताला इस तरह का तारुफ इस तरह का इंट्रोडक्शन इस तरह का सुकून कारोबार के बारे में नहीं बताया अल्लाह ने यह नहीं कहा कि तुम्हारे कारोबार में तुम्हारा सुकून है अल्लाह ने ये नहीं कहा कि तुम्हारे जॉब में तुम्हारा सुकून है अल्लाह ने ये नहीं कहा कि तुम्हारी तिजारत तुम्हारे सुकून है नहीं, दुनिया के किसी भी चीज में सुकून का इजहार नहीं किया अगर अल्लाह ने किया तो शहर के लिए बीवी में किया और बीवी के लिए शहर में सुकून का तस्करा कर रखा है तो हमेशा नेकी को तरजीह दें अल्लाह के रसूल वसल्लम ने कहा तुन कहल मरा तुलर सारी दुनिया चार चीजों को देखकर निकाह करती है ले मालिहा कुछ लोग माल को देखकर निकाह करते हैं वाली जमालिहा जमाल कर कुछ लोग उसकी हसन जमाल को देखकर निकाह करते हैं वाली हसबिहा कुछ लोग उसके हसब नसब खानदान कबीले को देख कर निकाह करते हैं वाली दीनिहा कुछ लोग उसकी दीनदारी को देख कर निकाह करते हैं लेकिन मैं तुम लोगों से क्या कहूँगा मैं तुम लोगों को कौन से ऑप्शन को चुनने का हुक्म दूंगा दुनिया सारी माल को देखती है तुम माल को ना देखो इसलिए कि माल कानून का साथ भी नहीं दे सका माल मालून का साथ नहीं दे सका वाली दुनिया सारी की सारी हुन जमाल को देखकर निकाह करती है अबू भी हसीन और जमील था लेकिन उसका हुसन जमाल उसको दुनिया में कामयाब नहीं बना सका ये हुसन जमाल एक बीमारी से खत्म हो सकता है सन जमाल एक बुखार से खत्म हो सकता है यह हुसन जमाल चंद सालों में खत्म हो सकता है कितनी भी हसीन जमील औरत हो अगर उसके अखलाक अगर बद अखलाक हो बद जबान हो क्या उसका हुसन आपके अंदर मोहब्बत पैदा कर सकेगा नहीं दोस्तों औरत बद जबान हो औरत बदसलूक हो औरत बद किरदार हो और उसके कैरेक्टर अच्छे ना हो आपकी इज्जत ना करती हो आपका एहतराम न करती हो आपकी खिदमत न करती हो आपके अंडर में न रहती हो आपके सामने आवाज से बात करने वाली हो आपको झिड़कने वाली हो ना तो फिर उसकी खूबसूरती से आपको किसी किस्म का फायदा नहीं पहुंच सकता है सुकून नहीं मिल सकता है वो वाली हसब कोई हसब नसब को देख कर निकाह करता है ये हसब नसब बस अगर कोई एक गलती कर दिया ना तो सारा हसब नसब मिट्टी में मिल जाएगा को एक गुना कर ले तो सारा हसब नसब मिट्टी में मिल जाएगा ये तुम्हें बचा नहीं सकता है ये हसब नसब ये तुम्हारे लिए काफी नहीं है फज फरविदाती दीन दीन को पसंद करो तो उसमें खूबसूरती न भी हो तो खूबसूरती पैदा हो जाती है उसकी खूबसूरती पैदा हो जाती है उसकी दीनदारी की वजह से अल्लाह तुमको माल दे सकता है उसकी दीनदारी की वजह से तुम्हारे दिल में मोहब्बत पैदा कर सकता है उसकी दीनदारी की वजह से उसके हसब नसब के सामने उसका मर्तबा बढ़ जाता है तो दीनदारी को पसंद करने के निकाह का हुक्म दिया गया है और अल्लाह के रसूल ने लड़की से कहा इदा तिलमारा तो खन अगर कोई औरत कोई लड़की पांच वक्त नमाज का अहतमाम कर लेती है वह सामत शाह रहा रमदान के रोज़ों का अहतमाम कर लेती है वह हसनत फौर जहाँ अपने इज्जत और नामोज की हिफाजत कर लेती है वह अतात जो जहाँ अपने शोहर की बात मान लेती है चार काम अगर कोई औरत कर ले चार जिम्मेदारियां अगर कोई औरत निभा लेना खी लहा दुनिया से जाएगी कल क्यामत के दिन उसे कहा जाएगा जन्ना। जन्नत तुम्हारे लिए तैयार की गई है रेडी रख दी गई है मिन आई अब जन्नति शीती जन्नत के आठ ताट दरवाजे तुम्हारी खातिर खोल दिए गए हैं जिस दरवाजे से चाहो दाखुल चाहो देखा आपने चार ज़िम्मेदारी अगर कोई औरत अंजाम दे देती है तो फिर उसके लिए जन्नत के आठ दरवाजे खोल दिए जाते हैं जहाँ लड़की को नेक होने की ज़रूरत है वहीं लड़के को भी नेक होने की ज़रूरत है अल्लाह के रसूल सल्म ने कहा जो तुम खाते हो खिलाना होगा जो तुम पहनते हो पहनाना होगा जहाँ तुम रहते हो उसको वहाँ रखना होगा ये हकूक़ अदा करना है अल्लाह के रसूल वसम ने क्या कहा खैरुकुम खैरुकुम लियाली का बेस्ट आदमी वो है जो अपने घर वालों के साथ बेहतर, बेहतर हूँ तो किसी डॉक्टर की तारीफ नहीं की किसी बड़े इल वाले की तारीफ नहीं की किसी बड़े इजरे की तारीफ नहीं की सब कुछ अपनी जगह पर है दोस्तों अगर बीवी के साथ हुसन सुलूक अगर कोई कर रहा है तो वो बेस्ट आदमी है क्यों इसलिए तुम अपनी माँ की इज्जत करते हो तो उसमें कोई कमाल नहीं ये फितरी तौर पर कर लेते हो अपनी बहन की इज्जत करते हो तो फितरी तौर पर कर लेते हो लेकिन बीवी की इज्जत करना आदमी की शराफत की अलामत है या मजबूर नहीं था फिर भी ये एहतराम कर रहा है माँ उसकी तारीफ करती है तो उसकी कमजोरी है हर माँ अपने बेटे की तारीफ करेगी और हर बहन अपने भाई की तारीफ करेगी हर बाप अपने बेटे की तारीफ करेगा लेकिन माँ की तारीफ के मुकाबले में बहन की तारीफ़ के मुकाबले में बाप की तारीफ के मुकाबले में अगर कोई बीवी कहे कि मेरा शौर अच्छा है तो हकीकत में वो अच्छा है क्यों इसलिए कि यहाँ पर हुसन सलूक करने के लिए वो मजबूर नहीं था फिर भी कर रहा है तो ये उसके हुसन अखलाक है ये उसके आला में यार, आला किरदार की अलामत है दोस्तों यहां पर आदमी के अखलाक मालूम हो जाते हैं यहां पर आदमी का किरदार मालूम हो जाता है जहां इज्जत करने पर मजबूर नहीं वहां इज्जत करता है तो वो आला मेयार के अखलाक वाला है जहां खिदमत करने पर मजबूर नहीं है वहां खिदमत करता है तो वो उसके आला अखलाक का मेयार है दोस्तों तो यही बातें जो हमारे समाज के अंदर समझाने की जरूरत है उनको सिखाने की जरूरत है लड़की को समझाने की जरूरत है सिखाने की जरूरत है कि बेहतर लड़की वो है जो अपने शहर को देखे तो मुस्कुराने पर मजबूर करे वो घर से बाहर निकले तो उसके माल की हिफाजत करे अपने इज्जत की हिफात करे उसके बच्चों की तरबियत करे या औरत का में मार है या औरत के आला किरदार की अलामत है और जो औरत किरदार की हामिल होगी ना वो हमेशा सबको खुश कर देगी अखलाक खुश कर सकते हैं मेरे बहनों आपके अखलाक आपका हौसने सलोक आपकी खिदमत और आपकी मेहनत आपके ससुराल में इज्जत दिला सकती है आप भले एम बी ए होंगे आप भले एम एड होंगे आप भले पी एच डी होंगे आपकी डिग्री आपका सर्टिफिकेट आपकी तालीम आपको इज्जत दिलाने के लिए गारंटी नहीं दे सकती है आपके अखलाक आपको इज्जत दिला सकते हैं आपके किरदार आपको इज्जत दिला सकते हैं और आपकी खिदमत आपको इज़्ज़त दिला सकती है हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि बारी तला तो हम तमाम को अपने आप की सलाह करने की तौफीक तो अता फरमा आमीन अलकुम व बरकातहू